स्कूलों और कॉलेज में फिलहाल बैन जारी रहेगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को आज इस पर फैसला सुनाना था, लेकिन आज हिजाब पर हिसाब बाकी रह गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच का फैसला बटा हुआ आया है, यानी स्प्लिट फैसला आया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, यानी जस्टिस गुप्ता की राय में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रोक का जो फैसला दिया था वो सही है। लेकिन दूसरे जस्टिस सुधांशु ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है, यानी हिजाब को बैन करना गलत है। जस्टिस सुधांशु गुप्ता के मुताबिक हिजाब पर फैसला निजी स्वतंत्रता पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह बटा हुआ फैसला आने के बाद से अब इस केस को बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। जैसे कि अंदेशा था कि अगर स्प्लिट फैसला आता है तो फिर वो बड़ी बेंच के पास जाएगा। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, यानी ये जो अभी इंतजार है ये और लंबा हो सकता है, ये संभावनाएं पहले ही थी। एक जज बैन सही बता रहे हैं, एक जज को बैन गलत लग रहा है। अब आगे क्या, और जो ये फैसला है उसके लिए अब कितना और इंतजार करना होगा? इसके लिए तो आज दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा, और जैसे ही अपलोड हो जाता है ये फैसला उसके साथ ही इसकी स्टडी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने सेडान प्राशा से बात की है जो याचिकाकर्ताओं के वकीलों के ग्रुप में शामिल थे, और उन्होंने ये कहा है कि जहां तक बैन जारी रहने का सवाल है तो जिन पीयू कॉलेजेस में पहले से नियम है जिनको लेकर ये मामला यहां तक आया था उनमें तो यथास्थिति बरकरार रहेगी। लेकिन नई जज, मुझे भी यह लगता है कि अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि यह मामला तीन जजों की बेंच को भेजा जाए तो उन बेंच के सदस्य कौन कौन से जज होंगे, कौन लीडिंग जज होंगे बेंच के, और इसके साथ ही ये तय है कि नौ जजेज की जो सबरीमला मामले की रिव्यू कर रही है बेंच उसमें तो शायद नहीं जाएगा, ये तीन जजों की बेंच में जाएगा। कौन कौन से उसमें सदस्य जज होंगे ये सब सारा भविष्य के गर्त में है। हो सकता है कि आज दोपहर शाम तक चीफ जस्टिस इस मामले में फैसला ले लें, जस्टिस यूयू ललित, या फिर ये कल इस मामले में बेंच तय होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो 11 सवाल जस्टिस गुप्ता ने तय किए थे उन सारे 11 सवालों पर उनका ये कहना है कि जिन पॉइंट्स पर हमने सुनवाई की है उन पॉइंट्स पे हमें ये लगता है कि चूंकि याचिकाकर्ता हमें संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, मैं कम से कम संतुष्ट नहीं हूं इससे उनके जवाब से, लिहाजा हम हाई कोर्ट का फैसला और कर्नाटक सरकार का ऑर्डर उनको हम अपहेल्ड करते हैं। लेकिन वहीं जस्टिस धूलिया ने ये साफ कहा कि कोर्ट को, बेंच को इस मामले में जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको नहीं सुनना चाहिए था, उसको बीच में नहीं आना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये तय है कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए aajtak.in पर जरूर जाएं, और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। अविश हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ मुस्लिम लड़कियों के साथ में हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट फैसला, यानी कि अभी बड़ी वाली बेंच के पास जाएगा जो मुस्लिम लड़कियां, अविश उनसे बात करें, स्प्लिट फैसले को लेकर उनके क्या विचार हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या है वो? जी बिल्कुल, क्योंकि अब वहां जब बात निकलती है तो मध्य प्रदेश की जब बात करें या भोपाल की बात करें तो यहां बड़ी संख्या में लड़कियां हैं जो शैक्षणिक संस्थाओं में जाती है हिजाब पहन के। हमारे साथ भी वो तमाम लड़कियां मौजूद हैं जो सुबह से इस पूरे फैसले पे नजरें गड़ाई हुई हैं। ये गौर करने वाली बात है आशुतोष की इस फैसले पे ना केवल राजनीतिज्ञ बल्कि जो बच्चियां हैं जो कि इस पूरी मुद्दे के एकदम बीचों बीच हैं वो क्या सोचती हैं इस पूरे मामले को लेकर के। हम उनसे ही बात करेंगे सीधे, हम उन्हीं से बात करवाते हैं। अब आपकी तमाम लड़कियां हमारे साथ मौजूद है भोपाल की, आप कब से हिजाब पहन रही है और इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? अभी भी जो फैसला है वो आप लोगों ने सुना, अभी इस पे और आगे भी डिटेल जजमेंट आना है, इसे आप कैसे लेती हैं? जो फैसला आएगा वो उसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभी जो कोई फैसला नहीं आया, अभी जज खुद कंफ्यूज हैं, उन्हें भी कुछ नजर आ रहा होगा इसलिए वो कंफ्यूज हैं, उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया। और हम हमारी मर्जी से पहनते हैं, ये इस पे किसी का हम प्रेशराइज नहीं है कि हम ये फॉलो करें, ये हमारी खुद की मर्जी है कि हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हमारे अल्लाह की तरफ से, हमें कोई फोर्स नहीं करता कि हम ये करें या नहीं करें, ये हमारी खुद की विल है, हम ये करते हैं हमारी खुद की मर्जी से। आप बताएं इसको कैसे लेते हैं आप? आप कब से हिजाब पहन रही हैं और कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं बिना हिजाब के भी इस कॉलेज जाना चाहिए? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से 10 साल की हूँ मैं जब से परमानेंटली पहन रही हूँ उसे, और मुझे इसमें बहुत ज्यादा फील, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटेक्टेड फील होता है, इसलिए मैं इसे पहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैंने आपको बताया ही है,
और क्या कहते हैं, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर हिजाब पहन के हम ऐसे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, इसके अच्छा मदरसा चले जाएं या वहाँ पढ़ लें, ऐसा कभी कुछ मन में विचार आया? नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, मैं तो बल्कि यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा हिजाब में ही रहकर हमेशा अपनी पढ़ाई पूरी मुकम्मल करूँ, क्योंकि आई फील सेफ इन दिस। आपको कुछ लगता है कभी हिजाब पहन के आना है, फिर आपको भी लगता है कि नहीं बिना हिजाब के कोई कॉलेज जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि हिजाब हमारा हक है। और जो लड़की, कई मुसलमान लड़कियां होती हैं जो हिजाब नहीं पहनती हैं, लेकिन जिन जो पहनना चाहती हैं तो उनका हक उनसे नहीं छीना जाए, क्योंकि यह हर मुस्लिम लड़की का हक है कि उसे हिजाब पहनना है। और मैं इसमें कुछ ऐसा फील नहीं करती कि मैं इसमें सेफ नहीं हूँ या कुछ भी। और एजुकेशन ही नहीं, किसी भी फील्ड में हिजाब कहीं से भी कहीं तक बाधा नहीं है मेरे हिजाब को लेकर के। अभी हमने देखा ईरान में इतना पूरा विवाद चल रहा है, आप लोगों के मन में कभी कुछ ऐसा आया? लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए कि हिजाब पहनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो हम लोग से कहते हैं कि आप मदरसे जाएं और अच्छे अच्छे कॉलेज नहीं जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। चाहता ना, एक सवाल हमें भी जरूर पूछे हैं कि एक इस्लामिक राष्ट्र है ईरान, वहां पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमें हिजाब से आजादी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि हमें हिजाब पहनने दिया जाए, तो वो मांग करें कि हम आजादी दो हिजाब से, और आप बुरके में या पर्दादारी में रहना चाह रहे हैं, क्यों? जी बिल्कुल, ये एक वाजिब सवाल है जो जिसका जवाब यहाँ लड़कियां दे भी रही हैं। जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि ईरान जो है वो एक इस्लामिक देश है, लेकिन वहां पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो हिजाब से, बुरके से आजादी मांग रही हैं, वो वहां पे लगातार आंदोलन हो रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे उसे, तो फिर यहाँ पे आप लोग हिजाब पहनने के लिए क्यों इतनी इच्छुक हैं? देखिए, सबका थिंकिंग अलग अलग होती है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें भी किसी किसी को दिल चाहता होगा कि वो पहने, और किसी किसी को दिल चाहता होगा कि वो नहीं पहने। ऐसे यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं जो चाहती हैं कि वो पहने, और कुछ कुछ चाहती हैं कि वो नहीं पहने। अगर जो चाहती हैं तो उन्हें प्लीज रोका ना जाए, क्योंकि उन्हें उसमें फील सेफ फील होता है इसलिए। और मैं अपील करूंगी हमारे गवर्नमेंट से कि प्लीज इस चीज को रोका ना जाए।